क्या गाजा से हो गया तीसरे विश्व युद्ध का आगाज? गाजा बनने वाला है तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर। क्या गाजा से भड़की बारूद की ये बरसात तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने का संकेत है? क्या हमास ने इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट दाग कर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया है? इसकी आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इसराइल ने इसे युद्ध करार दिया है और इस हमले का हिसाब बराबर करने का प्रण लिया है। इसराइल की सेना ने ऐलान किया है कि किसी भी हमलावर को बख्शा नहीं जाएगा। इसराइल के पीएम ने वादा किया है कि हमास इसकी बड़ी कीमत चुकाएगा। दुनिया एक युद्ध का दंश महीनों से झेल रही है। रूस यूक्रेन में महीनों से जंग जारी है। रूस की तरफ से कई बार परमाणु हमले की चेतावनी भी जारी की जा चुकी है, लेकिन अब इसराइल के बदला लेने वाली कसम दुनिया को डराने वाली है, क्योंकि दावा किया जाता है कि इसराइल के पास भी परमाणु बम है। परमाणु बम से लैस देश पर ऐसा हमला किसी बहुत बड़े खतरे को बुलावा दे सकता है, क्योंकि इसराइल और फिलिस्तीन को लेकर दुनिया बरसों से ही बटी हुई है। इसराइल और फिलिस्तीन जंग से तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है, और इसी कड़ी में दुनिया के देश अलग अलग धाराओं में बंट गए हैं। इसराइल और फिलिस्तीन जंग को लेकर दुनिया जहां पर दो खेमे में बंट गई है, तो वहीं एक खेमा ऐसा भी है जो किसी के भी साथ नहीं है। अधिकतर इस्लामिक देश फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 25 देशों को साथ देने के लिए वो शुक्रिया पहले ही बोल चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस जंग में कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, दुनिया के कौन से देश हैं जो इसराइल के साथ खड़े हैं, और कौन कौन से देश हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। सबसे पहले अब आपको बता दें ग्राफिकली कि इसराइल के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अल्बेनिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन, ये तमाम देश हैं जो इसराइल के साथ फिलहाल खड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के साथ कौन खड़ा है? फिलिस्तीन के साथ तमाम इस्लामिक देश खड़े हैं। चीन, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी देश, ये तमाम देश हैं जो इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, यानी कि तमाम ऐसे इस्लामिक देश हैं जो इसराइल के खिलाफ हैं। तो तुर्की के राष्ट्रपति इस बीच जो रेचेप तैयप अर्दोगान है, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर इसराइल को भी सख्त चेतावनी दे डाली है, क्योंकि देखिए इसराइल भी रिटेलिएट कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर पूरी दुनिया भी खामोश हो जाए तो भी तुर्की अपनी आवाज उठाता रहेगा, यानी कि इसराइल के खिलाफ वो अपनी आवाज उठाता रहेगा। इस बीच कुछ देशों ने बीच का रास्ता भी अपना लिया है। इसराइल और फिलिस्तीन विवाद पर भारत ने दोनों पक्षों के बीच किसी का ना तो समर्थन किया है और ना ही वो पक्ष में आया है। तो भारत ने ना किसी का समर्थन किया है, ना ही भारत किसी के पक्ष में आया है। वहीं रूस की आपको बता दें क्या स्थिति है फिलहाल। रूस भी इसराइल और फिलिस्तीन विवाद पर बीच का ही रास्ता अपना रहा है, लेकिन ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया तो रूस फिलिस्तीन के साथ आ सकता है। इसराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने कहा कि इसराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इसराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। पिछले साल मई के बाद पहली बार गाजा पट्टी में इसराइल पर मिसाइलों की बौछार की गई है। इस हमले के बाद बरसों से सुलगते एक और फ्रंट पर जंग की शुरुआत हो गई है। अगर दुनिया के वॉर फ्रंटों की बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच पहले से ही जंग चल रही है। इसराइल और ईरान का युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। ईरान अपने साथ कई और मुस्लिम मुल्कों को इसराइल के खिलाफ खड़ा कर सकता है। लीबिया में भी इसराइल के खिलाफ गुस्से को लेकर विरोध प्रदर्शन और बवाल हो रहा है। चीन और ताइवान के बीच आए दिन जंग की आहट सुनाई देती है। तीसरा वॉर फ्रंट किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ खोल रखा है। अफ्रीका के देश नाइजर में फ्रांस के खिलाफ बगावत भड़की हुई है। भविष्य में पोलैंड और बेलारूस के युद्ध से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।
रूस और फिनलैंड के बीच भी बॉर्डर पर तनाव बरकरार है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच गोलीबारी जारी है। चीन और ताइवान में भी तनातनी लगातार जारी है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच युद्ध के मोर्चे सज रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग लगातार उकसाने वाली कार्रवाई करते हुए खतरनाक परमाणु मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध की एक वजह परमाणु हथियारों की होड़ भी बन सकती है, क्योंकि कई देश लगातार गुपचुप तरीके से परमाणु ताकत को बढ़ा रहे हैं। इसकी सीक्रेट रिपोर्ट भी आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इसराइल के परमाणु ताकत को जान लेना भी बहुत जरूरी है। इसराइल की सैन्य शक्ति दुनिया से छिपी नहीं, इसराइल हर ओर दुश्मनों से घिरा हुआ है, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं है कि उससे सीधा पंगा ले सके। इसके पीछे इसराइल की ताकतवर सेना है, इसराइल के घातक हथियार हैं, इसराइल के परमाणु हथियार हैं। लेकिन इसराइल अरसे से अपने परमाणु हथियारों पर खुलकर बोलने से बचता आया है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट बताती है कि इसराइल 1950 से गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने में लगा था, दुनिया से छिप छिप कर परमाणु बम बनाने में लगा था। 29 साल बाद उसे तब कामयाबी मिली जब 22 सितंबर 1979 को रहस्यमयी परमाणु परीक्षण किया। दावा तो ये भी किया जाता है कि इसराइल में परमाणु मिसाइलों के लिए ऐसे साइलो बने हुए हैं जहां परमाणु मिसाइलों को लगाया गया है। इन साइलों की गहराई करीब 170 फीट है। साइलो का भूमिगत परिसर तीन हिस्सों में बटा है। पहले हिस्से में मुख्य साइलो है, जो मिसाइल का लॉन्च पैड है। यहीं परमाणु बम से लैस मिसाइलें भी रखी जाएंगी। दूसरा हिस्सा मास्टर कंट्रोल रूम होता है, जहां मिसाइल लॉन्च का बटन होता है। तीसरे हिस्से में मिसाइल सेंटर में काम करने वालों के क्वार्टर बने होते हैं। इसमें पानी, बिजली और सीवेज सिस्टम है। पूरे भूमिगत परिसर को परमाणु हमले का सामना करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। दावे के मुताबिक आज की तारीख में इसराइल के शांत रेगिस्तान में नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है, जहाँ ताकतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इसराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियारों का जखीरा है, लेकिन इसराइल ने कभी भी खुद को परमाणु हथियारों से संपन्न देश नहीं बताया है, लेकिन इशारों ही इशारों में अपनी परमाणु ताकत की धौंस दुनिया को दिखाते आया है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसराइल पर इस वक्त दो तरफ से हमले का डर है। पहला है फिलिस्तीन, जिससे दे दनादन हमले शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरा देश ईरान है, जिसने इसराइल को कई बार वीडियो जारी कर धमका चुका है। वीडियो नंबर एक, वीडियो नंबर दो, वीडियो नंबर तीन, ये तीन वीडियो तो बस बानगी है। ईरान इसराइल में खौफ भरने के लिए ऐसे कई वीडियो रिलीज कर चुका है। ये वीडियो इसराइल के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। ईरान ने इसराइल को खुली धमकी दे रखी है। अगर उसने ईरान के परमाणु ठिकानों की तरफ देखा तो उसके शहर तेल अवीव को तबाह कर दिया जाएगा। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे ईरान की मिसाइलों ने मोर्चा संभाल रखा है। ईरान के मीडिया के मुताबिक इन मिसाइलों के निशाने पर इसराइल का तेल अवीव शहर था। कहा गया कि अगर ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला हुआ तो इसराइल का शहर तेल अवीव मलबे में बदल जाएगा। इसराइल को धमकी दी गई कि उसके हमला करने वाले विमानों को उतरने के लिए जमीन तक नहीं बचेगी, यानी अगर वो हमले के बाद बचकर लौट भी गए तो इसराइल में लैंड नहीं कर पाएंगे। ईरान इसराइल की बरसों पुरानी दुश्मनी बहुत ही खतरनाक मुकाम पर पहुंच गई है। वजह बना है इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से ईरान को दी गई सीधी धमकी। ईरान्स न्यूक्लियर एंबिशंस, दिस पॉलिसी मस्ट चेंज, सैंक्शंस मस्ट बी स्नैप्ड बैक, एंड अबव ऑल ईरान मस्ट फेस अ क्रेडिबल न्यूक्लियर थ्रेट। एज लॉन्ग एज आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, आई विल डू एवरीथिंग इन माय पावर to prevent Iran from getting nuclear weapons. सुना आपने, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत से बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान को परमाणु धमकी दे डाली। नेतन्याहू ने ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने की बात कही। सिर्फ इतना ही नहीं, नेतन्याहू यहां तक धमका गए कि उनके रहते ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा। ईरान को परमाणु बम से दूर रखने के लिए इसराइल अपनी पूरी ताकत लगा देगा। इस तनातनी में भी एक नए युद्ध की आहट सुनाई देती है।
इन दो सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। पहली तस्वीर ईरान की सबसे बड़ी नातांज न्यूक्लियर साइट की है। ईरान ने अपने इस साइट को जागनूस के पहाड़ों के बीच तैयार किया है। सैटेलाइट इमेज से इस बात का भी पता चला है कि ईरान नातांज न्यूक्लियर साइट के पास पहाड़ में सुरंगें खोद रहा है। ये सुरंगें इतनी गहरी हैं कि इस पर कोई भी हमला बेअसर साबित होगा। दावा ये किया गया है कि ये सुरंगें 260 फीट से 328 फीट तक की गहराई तक खोदी गई हैं। यहीं ईरान अपनी नई न्यूक्लियर साइट को बना रहा है। इसको इतनी गहराई में इसलिए बनाया गया है ताकि अमेरिका या फिर इजराइल के हमलों से इसे बचाया जा सके। इसे आप दूसरी सैटेलाइट तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं। इस नए अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स के चार गेट हैं। दावे के मुताबिक ईरान के परमाणु स्थल पर अमेरिका के हथियार भी बेअसर साबित होंगे। अगर अमेरिका इस साइट को तबाह करने की कोशिश भी करे तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसे इस लिहाज से डिजाइन किया गया है। दुनिया पर एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट का खौफ का खतरा मंडराने लगा है। रूस, अमेरिका और चीन तीनों देशों के न्यूक्लियर टेस्टिंग साइटों पर हलचल है। न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को एक्टिव कर दिया गया है। परमाणु हथियारों से लैस इन तीनों देशों के परमाणु परीक्षण साइट पर लगातार विस्तार हो रहा है। जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे तीनों देश के परमाणु प्लान से पर्दा उठा दिया है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि रूस के सबसे बड़े परमाणु परीक्षण स्थल का काफी विस्तार हुआ है। ये रूस का नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल है। सैटेलाइट इमेज से साफ हो गया है कि साल 2021 से 2023 के बीच यहाँ कई नए निर्माण हुए हैं। यहाँ छोटी इमारतें बन रही हैं, यहाँ बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसके बंदरगाह पर जहाज और नए शिपिंग कंटेनर आ रहे हैं। वहाँ पहाड़ों में गहरी सुरंगें खोदी गई हैं। न्यूक्लियर साइट पर हुए इस नए निर्माण से साफ हो जाता है कि रूस परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। रूस के बाद हम चीन और अमेरिका के परमाणु परीक्षण स्थल न्यूक्लियर रेस में अमेरिका भी पीछे नहीं है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ऐसा फैसला किया है जिसके बाद पेंटागन का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यू स्टार्ट संधि की गैर मौजूदगी में रूस और अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को दोगुना कर सकते हैं। परमाणु बमों की लिमिट तय करने वाले करार को स्थगित कर व्लादिमीर पुतिन ने अपने इरादे पहले ही जता दिए हैं। अब अमेरिका के निवादा परमाणु परीक्षण स्थल की सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया की नई न्यूक्लियर पिक्चर का ट्रेलर दिखा दिया है। ये अमेरिका का निवादा परमाणु परीक्षण स्थल है। ये आधिकारिक तौर पर निवादा राष्ट्रीय सुरक्षा स्थल के नाम से जाना जाता है। आपके सामने एक सैटेलाइट तस्वीर 14 जुलाई 2023 की है, दूसरी 5 साल पहले 15 सितंबर 2018 की है। इन 5 वर्षों में यहाँ कितना विस्तार हुआ है, इसे साफ साफ देखा जा सकता है। यही अमेरिका का भूमिगत U-1A कॉम्प्लेक्स है, जहाँ अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया जाता रहा है। यहाँ अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में भूमिगत परीक्षण किया था, लेकिन अमेरिका इसे लंबे समय से परमाणु परीक्षण के लिए तैयार रखता रहा है। दावा किया जाता है कि यहाँ अमेरिका किसी भी वक्त नए और पहले से भी ताकतवर परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। हम आपको पश्चिमी चीन के 2 रेगिस्तानों के बीच सूखी हुई नमक की झील में बनी लोपनूर परमाणु परीक्षण स्थल ले चलते हैं, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरों के सामने आने के बाद चीन की न्यूक्लियर साजिश का पर्दाफाश हो गया है। यह चीन के परमाणु परीक्षण स्थल की सैटेलाइट तस्वीर है। पश्चिमी चीन में 2 रेगिस्तानों के बीच सूखी हुई नमक की झील लोपनूर में चीन का परमाणु परीक्षण स्थल है। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि यहां परमाणु बम के परीक्षण के लिए कुल 5 सुरंगें बनकर तैयार हैं। 5वीं भूमिगत सुरंग की खुदाई चल रही है। नई सड़कें बनाई गई हैं। 2022 और 2023 में ली गई तस्वीरों की तुलना से पता चलता है कि यहां सुरंग की खुदाई से निकले ढेर का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि चीन यहां सुरंगों का विस्तार कर रहा है। यहां प्रशासनिक एवं सहयोग क्षेत्र साफ साफ नजर आ रहा है। नया परमाणु गोदाम भी मौजूद है, यानी परमाणु बम के परीक्षण से लेकर परमाणु बम को रखने के लिए गोदाम, चीन ने यहां सब कुछ तैयार कर लिया है। रूस, अमेरिका और चीन की न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर हो रहे नए निर्माण ने दुनिया को एक बार फिर डरा दिया है, क्योंकि वॉर फ्रंट पहले से एक्टिव है। अगर नए परमाणु बम को बनाने की होड़ में रूस, अमेरिका और चीन के साथ साथ उत्तर कोरिया और खाड़ी देशों ने भी परमाणु ताकत बढ़ानी शुरू कर दी, तो फिर तीसरे विश्व युद्ध को टालना नामुमकिन होगा।